हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम सब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं, एंड आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। सो ये आफ्टरनून का टाइम था और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं बालकनी में इन बर्ड्स को देख रही थी। एक्चुअली ये न्यू बॉर्न है और इनकी वजह से मेरा बालकनी भी बड़ा गंदा हो रखा है, बट मैं क्लीन नहीं कर पा रही बिकॉज़ मैंने सुना है कहीं कि अगर न्यू बॉर्न बर्ड्स जो हैं उनको टच करने से ना, न्यूली हैच्ड जो हैं उन्हें टच करने से फिर उनकी माँ उन्हें खाना वाना नहीं खिलाती, इसकी वजह से मैं उधर साफ भी नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर शाम का टाइम था और ये एक पार्सल आया था। एक्चुअली अदीवा के लिए मैंने ऑर्डर किया था। मुस्तेला का प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा होता है, बहुत दिन से मैं यूज़ नहीं कर रही थी। मैंने और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई किए बट फाइनली फिर से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुस्तिला ही सबसे बेस्ट था। तो मैंने ऑर्डर किया है और मुझे 50% डिस्काउंट मिला है एस्टर पे। और उसके बाद मैं चली गई थी रात के डिनर के प्रिपरेशन के लिए। एक्चुअली आज मेरा प्लान है कि हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊँ। सो मेरे हस्बैंड पनीर नहीं खाते बट मेरा बड़ा दिल था आज पनीर खाने का, तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं, थोड़ा बहुत तो वो भी टेस्ट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स पनीर लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, अनियन लिए थे और एक बड़े साइज़ का टमाटर को मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे मैं सूखे मसाले बना रही हूँ। एक्चुअली मैं पनीर बटर मसाला बना रही हूँ, बटर का थोड़ा कम यूज़ करना है मुझे बिकॉज़ मुझे एक और डिश भी बनाना है, उसमें भी बटर अच्छा खासा यूज़ होना है। सो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया था क्यूमिन पाउडर, और क्यूमिन से डबल होना चाहिए आपका कोरिएंडर। सो 2 टीस्पून मैंने कोरिएंडर लिया और 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर ले लें। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैं पनीर को फ्राई करूँगी। पहले इसे गोल्डन ब्राउन करना है। आप बहुत लोगों को देखेंगे भी वाइट भी रहता है उन लोगों का, तो वो लोग क्या करते हैं पानी और नमक में उसे डिप करके रख देते हैं, तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनता है। आप वो मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्राई किया है और यहाँ मेरा पनीर रेडी हो गया फ्राई होकर। सो मैंने ये पनीर मेरे लिए और अदीबा के लिए सिर्फ बनाया था बिकॉज़ हस्बैंड को पनीर उतना पसंद नहीं है। सो मैंने 100 ग्राम्स के करीब ही बनाया था। यहाँ पे मैंने सेम ऑयल में फिर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब आप क्यूमिन सीड्स ले लें, ज़ीरा, और उसे क्रैक होने दें। उसके बाद जो प्याज हमने कट करके रखा था उसे इसमें ऐड कर दें। प्याज ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसे हमें पकने के लिए रखना है। एक्चुअली हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट ट्रांसपेरेंट होने तक इसे बनाना है। सो इसके लिए ये जल्दी से कुक हो जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था ताकि ये जल्दी जल्दी कुक हो जाए। और बीच बीच में अदीवा आकर तंग भी बहुत कर रही थी, मुझे खींच खाच कर लेकर जा रही थी। जब भी किचन में आ रही थी कुछ कुछ लेकर जा रही थी, इस बार आलू प्याज ये सब लेकर गई है वो। नो ओके टेक इट। और यहाँ पे बस मेरा प्याज रेडी हो ही गया है। हमें ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही रखना है। और उसके बाद हमें ऐड कर देना है इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है जो कि मैंने लिया था 1 1/2 टेबल स्पून। हमें जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अच्छे से भून लेना है और वेट करना है तब तक उसका कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। और उसके बाद हम उसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे जो कि मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, और फिर इसका वेट करेंगे जब तक इसका पानी रिड्यूस ना हो जाए। अपनी कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर दे, इसके वजह से मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है, उससे किसी भी खाने का कुकिंग का प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था सॉल्ट, हल्का ही ऐड करें आप, ज़्यादा ना ऐड करें, और इसे फिर ढक कर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए। तो मेरा प्याज अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया है बिकॉज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल दिखने लगा है ऊपर ऊपर। सो अब इसमें हम जो सूखे मसाले हमने बनाए थे वो ऐड कर देना है हमें।
में हमारे सूखे मसाले जो हैं उसे भी अच्छे से इस मिक्सचर में अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शनल चीज़ें ली हैं लाइक टोमेटो केचप एंड ग्रीन चिली सॉस और बटर। बटर एक्चुअली इसमें ऑप्शनल नहीं है, बटर आपको मस्ट है डालना बिकॉज़ ये बटर पनीर मसाला है, बट मैंने काफ़ी कम डाला बिकॉज़ मैंने रिफाइंड में बनाया और टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 20 grams के करीब बटर यूज़ किया है। मुझे इन सारी चीज़ों में ना वो सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, सो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस ले लिया था और ये मैंने 1 teaspoon के करीब लिया है और 2 teaspoon के करीब मैंने यहाँ पे केचप ऐड कर दिया था उसमें और इसे मिक्स करके, मुझे आप लोगों को दिखाना है इसलिए मैं ऐसे करके मिक्स करके डाल रही हूँ, आप डायरेक्टली डाल लें। फिर बटर के बाद मैंने केचप और ग्रीन चिली का जो सॉस था वो भी इसमें ऐड कर दिया और बस इसे मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से। हमारा मसाला तो अच्छे से भुन ही गया है तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें अब पनीर ऐड करना है इसमें। हाँ, जब मैं पनीर लेने गई तो मुझे पनीर बहुत ही कम लग रहा था, फिर मेरे पास जो बचा हुआ पनीर था मैंने उसे भी पहले फ्राई कर लिया और फिर सारे पनीर को इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं यूज़ किया है, मतलब स्टैंड वगैरह नहीं लगाया था रिकॉर्ड करने के लिए, एक हाथ से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और दूसरे हाथ से ये स्पून चला रही हूँ मैं, सो वाह वाह ये सरका जा रहा था। बस हो गया है, ये मसाला हमारा पहले से रेडी था और ये है सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट। आप जब भी पनीर बनाएं ना तो पानी का यूज़ ना करें, उसके जगह पे आप मिल्क का यूज़ करें तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। जो आपको पानी के साथ टेस्ट मिलेगा ना उससे डबल टेस्टी ये दूध के साथ लगेगा। सो आप जब भी पनीर का कोई भी आइटम बनाएं तो कोशिश करें कि उसमें मिल्क ऐड करें। और फिर मिल्क ऐड करके मैंने इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख दिया था और ये काफ़ी अच्छा हो गया है। अब बस इसमें कुछ नहीं ऐड करना, हमें ऐड करना है कोरिएंडर और मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड किया था, आई थिंक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई हूँ। आप इसमें क्रश कर कस्तूरी मेथी भी ऐड कर लें, उससे उसका टेस्ट बहुत ही गज़ब का हो जाएगा। हाँ, मैंने कस्तूरी मेथी भी इसमें ऐड किया है बाद में और ये बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह। ओ मेरा पनीर बटर मसाला तो रेडी हो गया था। आज मेरा दिल बड़ा कर रहा था कुकिंग करने का, सो मैंने दाल मखनी बनाने का भी सोचा है। एक्चुअली मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैं दिन भर ही ये सब नहीं सोच रही थी कि ये बनाना है वो बनाना है। लास्ट टाइम पे मुझे ऐसा लगा चलो आज कुछ बनाते हैं कुछ यमी सा, सो मैंने पहले से उसे भिगो कर नहीं रखा था। वो उड़द दाल था, छिलके के साथ था वो, और उसे बॉयल किया था मैंने नमक डालकर, बस उसे बॉयल कर दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे के लिए आटा गूंदने जा रही हूँ मैं। अजवाइन का पराठा बनाया था मैंने, अजवाइन और कलौंजी का। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आटे में नमक, कलौंजी और अजवाइन को लेकर उसे मिक्स करके आटा गूंद लिया था मैंने और ये पेड़े बना लिए मैंने पराठे के लिए। ये थर्सडे का नाइट था, सो कल फ्राइडे है और मैं सोच रही हूँ आज ही रात को सारा काम निपटा लूँ बिकॉज़ उठने में देर हो जाता है, फिर नमाज वगैरह में भी फिर लेट हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। सो मैं अभी क्लीन करने वाली हूँ घर क्योंकि अदीवा ने पूरा मेस क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। सो अभी रात के 11:30 बज रहे थे और 12:30 तक मेरे हस्बैंड घर वापस आते हैं। सो उससे पहले मुझे दाल मखनी भी प्रिपेयर करनी है। पनीर जो मैंने बनाया था ना उसमें बटर और ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, सो मैंने थोड़ा सा रिमूव कर लिया। ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना वो पनीर से ऑयल मैंने लिया है और 20 ग्राम्स के करीब मैंने यहाँ पे बटर भी यूज़ किया था। दोनों को मिक्स करके मैंने पैन में डाल दिया है और उसके बाद मैंने ऐड किया यहाँ पे 1.5 tablespoons ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे अच्छे से हमें भून लेना है जब तक इसका कच्चापन चला ना जाए। यहाँ पे मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो अच्छे से भुन गया था,
आप थोड़ा ध्यान रखें कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो जले ना, बिकॉज बटर भी बहुत जल्दी जलता है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अगर अलग से डालें बिना किसी अनियन और टमाटोज के तो वो बहुत जल्दी भुन जाता है। और फिर उसके बाद मैंने ऐड किया था, यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, और उसे टमाटर का जो है वो हमें प्यूरी बना लेना है, उसे ग्राइंड कर लेना है। मैंने वाटर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था ग्राइंड करने के टाइम पे, सो आप कम डालें। और यहाँ पे फिर मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसे फिर वाटर रिड्यूस होने तक पकाना है टमाटर को। यहाँ पे मेरा दाल मखनी का दाल भी बनके बिल्कुल रेडी है, और यहाँ बज रहा है रात का 12:20। और कुकिंग के साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी रूम भी क्लीन वगैरह कर लिया था, पोछा वोछा कर लिया था मैंने सब कुछ, बिकॉज हस्बैंड अब 10-20 मिनट्स के अंदर आ जाएंगे, और इसलिए पहले मैंने जल्दी जल्दी क्लीन कर लिया, बिकॉज मुझे अभी पराठे भी बनाने थे। सो यहाँ पे मेरा घर वर सब क्लीन हो गया, यहाँ पे टमाटर अभी भी मेरा वाटर रिड्यूस कर रहा है, और ये रूम ठीक करने के बाद एक बार फिर से बिखर चुका है। और यहाँ मेरा टमाटर अच्छे से भुन गया था, अच्छे से रिड्यूस हो गया था इसका वाटर। भुनने के बाद इसमें हमें कुछ नहीं, दाल को बस ऐड कर देना है और उसे अच्छे से मिक्स दे देना है एक बार। और इसका कलर इतना प्यारा आया था ना, ऊपर ऊपर वो जो बटर का ग्रेवी टाइप दिख रहा था वो भी बहुत मस्त दिख रहा था, लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा आया था। फिर मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया था हाथ से ही क्रश कर, और उसके बाद फिर मैंने कोरिएंडर भी ऐड कर दिया, और इसका लुक और इन्हेंस हो गया था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढककर एक बॉयल आने तक छोड़ दिया था स्टोव पर, ताकि कस्तूरी मेथी और कोरिएंडर का अच्छा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, यहाँ पे मैं अपना ड्रेस निकाल रही हूँ, बिकॉज़ अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है हस्बैंड को आने में, और हस्बैंड के आने के बाद मैंने पराठे वगैरह बना लिए थे और ये सारा कुछ तैयार कर लिया था, और ये देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा काफ़ी यम्मी लग रहा था, माशाल्लाह अच्छा बना था। और हस्बैंड को इन सब चीज़ों के साथ चाय भी चाहिए था, सो मैंने वो भी चढ़ा दिया स्टोव पे। सो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।